नमस्कार यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूबीएन 08। गुना से योगेश लोधा की खबर आ रही है। गुना जिला कोरोना से मुक्त हो एवं सभी नागरिक स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यह बात स्वतांबर चैन मुनि योगाचार्य श्री वीर रत्न विजय जी महाराज ने आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपने उद्बोधन में आपने एक संत का सानिध्य पाने के लिए एक संत से चिंतन और मदद की यात्रा में जुड़ने के लिए पतन से आगे बढ़ने के लिए आप यहां मिले। आपके पास प्रजा है, उसके पीछे संस्कृति के साथ और प्रकृति के साथ हम लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, चारों तरफ हिंसा का एक भयंकर वातावरण उपस्थित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इस महामारी को हमारे सामने है। किंतु इसको शांत करने की जगह ये हमारे जीवन में नुकसान न करें, इसके लिए हमें चाहिए परमात्मा की भक्ति, गुरुजनों की संगति, चिंतन की यात्रा, अन्योन्य सहयोग और जो कुछ भी हम अच्छाई कर सकते हैं उसको करने का पूरा पूरा प्रयास करें। जिस समय पाप का उदय आता है उस समय धर्म का उदय करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए, किंतु आज हम देख रहे हैं। पवन कुमार जैन एडवोकेट, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर श्री संगुना। हमारे यहाँ 7 वर्ष पूर्व इस मंदिर और उपाश्रय की प्रतिष्ठा गुरुवर वीर रत्न महाराज साहब की निशरा में हुई थी। 7 वर्ष के अंतराल के बाद ये हमारे गुना नगर का एक सौभाग्य है और हमारे जैन श्वेतांबर श्री संघ का सौभाग्य है कि गुरुवर ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर गुना में ध्वजा के कार्यक्रम में पधारने का कष्ट किया। आज हम सब श्री संघ के लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि गुरुवर के चरण इस गुना की पावन धरा पर पड़े और गुना गुरुवर के आशीर्वाद और गुरुवर के निश्रा में ध्वजारोहण का 3 दिवसीय रत्नात्रय ध्वजा महोत्सव कार्यक्रम का संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रथम दिवस में 18 अभिषेक की पूजा की जाती है। 18 अभिषेक की पूजा विभिन्न नदियों का जल एकत्रित कर भगवान का पक्षाल किया जाता है, इसके बाद उसकी पूजा अर्चना की जाती है। द्वितीय दिवस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम, मंदिर जी के ऊपर एक शिखर बना हुआ है, शिखर पर कलश रखा हुआ है और वहाँ ध्वजा चढ़ी हुई है, तो ध्वजा को परिवर्तित किया जाता है। तो दिनांक 26/3/2021 को ध्वजा का परिवर्तन कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात गुरुवर जिनके द्वारा शिवपुर देवाश में एक इतना शानदार मणिभद्र भगवान का तीर्थस्थल बनाया है, उसके संस्थापक हैं गुरुवर और मणिभद्र दादा के, वीर मणिभद्र दादा के परम भक्त हैं, उनके आदेश से दिनांक 27/3/2021 को वीर मणिभद्र का हवन और कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हमारे नवयुग मंडल के संपूर्ण सदस्य जिनका काफ़ी योगदान रहा है, जिनने कठिन परिश्रम और सेवा भाव का करके हमारे श्री संघ को गौरवान्वित किया गया है, इसमें सभी श्री संघ के सदस्यों का
ट्रस्ट मंडल का, महिला मंडल का, बहुवालिका मंडल और नवक मंडल का विशेष सहयोग रहा है।